की बड़ी खबर इस वक्त की। सुबह 11 बजे से विशेष सत्र शुरू हो जाएगा। कल हरियाणा की नई सरकार का दरअसल गठन हुआ है और सीएम नायब सैनी समेत 5 मंत्रियों ने शपथ ली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी जानकारी। आज आपको बता दें कि सुबह 11 बजे का समय जब विशेष सत्र शुरू हो जाएगा। विशेष सत्र आज बुलाया गया है हरियाणा विधानसभा का। और इसी के साथ ही आपको ये भी बता दें कि कल हरियाणा की नई सरकार का गठन हुआ है और सीएम नायब सैनी समेत 5 मंत्रियों की तरफ से शपथ ली गई। नायब सरकार 24 का प्लान तैयार। दस सीटों पर नजर, प्लान गेम चेंजर। बीजेपी का प्रयोग, 24 में शुभ सहयोग। मान जाएंगे विज, लौटेगा स्वैग। मोदी का इक्का, विपक्ष हक्का बक्का। हरियाणा में मोदी के नए प्रयोग ने विपक्ष की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मोदी ने एक ही दाम से विपक्ष के सपनों को चकनाचूर कर दिया। जैसे ही जेजेपी ने बीजेपी का साथ छोड़ा, हरियाणा में सत्ता परिवर्तन की लहर उठी तो कांग्रेस को इसमें संजीवनी दिखने लगी। लेकिन पीएम मोदी ने एक घंटे में ही सारे समीकरण अपने पक्ष में कर लिए। आखिरकार हरियाणा में चेहरा तो बदला, लेकिन सरकार बीजेपी की ही रही। हरियाणा को नया चेहरा मिल गया है। नायब सिंह सैनी नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। हरियाणा में अब मनोहर सरकार नहीं, नायब सरकार है। सीएम पद की शपथ लेते ही नायब सैनी ने मनोहर लाल के पैर छुए। नायब के जरिए पीएम मोदी ने ओबीसी कार्ड खेल दिया है, जिसका फायदा बीजेपी को 2024 में मिलना तय माना जा रहा है। हरियाणा की सियासत अब तक जाट समुदाय का दबदबा रहा है, लेकिन अक्टूबर 2023 में बीजेपी ने हरियाणा में पुराने मिथक को तोड़ा। जाट की बजाय ओबीसी समुदाय को साधा, नायब सिंह सैनी को आगे कर दिया। हरियाणा में जाट करीब 23% है। 90 सीटों में से 40 सीटों पर जाटों का सीधा प्रभाव है। हरियाणा में ओबीसी करीब 25% है, वही ब्राह्मण, पंजाबी और बनिया वोट करीब 30% है। इसलिए माना जा रहा है कि 2024 के महासंग्राम में एंटी जाट वोट बीजेपी को मिल सकता है। मनोहर लाल के इस्तीफे से लेकर नायब के शपथ ग्रहण तक काफी सियासी उठापटक देखने को मिली। इस अंतराल में अपने प्राइस से लगने लगे, विरोधी मौका तलाशने लगे। नायब सिंह सैनी जब शपथ ले रहे थे तब दिग्गज नेता अनिल विज बाहर गोलगप्पे खा रहे थे, चटकारे ले रहे थे, लेकिन वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए। हालांकि बीजेपी का दावा है कि विज अपने हैं, मान जाएंगे। किसी बात पर नाराज हुए थे, वो भी घटना याद है। एक स्वभाव है, थोड़ा नाराज जल्दी होते हैं, लेकिन नाराज होने के बाद बहुत जल्दी ठीक भी होते हैं। कई मौके ऐसे आए हैं जब किसी न किसी बात को लेकर के उनको नाराजगी जाहिर की है। अब विषय गिनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बहुत बार नाराज हुए हैं, बहुत बार ठीक भी हुए हैं। तो मेरा भरोसा है कि वो नाराजगी आज उनकी है। आज हमने बात की थी उनसे, बात करने के बाद उनका अभी तो मेरा मन नहीं है। अब मन नहीं है तो कोई बहुत दबाव दे करके काम नहीं कराए जाते हैं, तो ठीक है। अगर वो चले गए हैं तो हम कल में फिर बात करेंगे, परसों फिर बात करेंगे। हमारे नए जो मुख्यमंत्री बने वो भी बात करेंगे, हमारे केंद्र के नेतृत्व के लोग भी बात करेंगे, और मुझे लगता है कि मन उनका साफ है। पिछले कई दिनों से बीजेपी और जेजेपी में खटपट चल रही थी। लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन रही थी। इन दोनों की रस्साकशी के बीच कांग्रेस को निशाना साधने का बहाना मिल गया। मुख्यमंत्री को बदल रहे हैं और ये सोचते हैं कि अब इस तरह का एक और नकाब अपने चेहरे पर लाएंगे और ये कि हरियाणा की जनता को फिर से बरगला देंगे। ऐसा नहीं होगा। हरियाणा ने देख लिया, 10 साल के करीब होने को आ रहे हैं, कि जो हरियाणा में कुशासन चला है, हरियाणा की जनता असलियत जान गई है। अब ये चाहे चेहरे बदलें, चाहे नकाब बदलें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विकल्प कांग्रेस है और हरियाणा के लोग कांग्रेस की ओर देख रहे हैं। जो 5 साल की फेलियर्स का जो है कैमोफ्लेज करना चाहते हैं, विच इज नॉट पॉसिबल। पीपल हैव अंडरस्टूड, लोग समझ चुके हैं, ये कभी ना जनहित का गठबंधन था, ना हरियाणा के हित का था, ये ठगबंधन था।
सर प्रेसिडेंट रूल की भी आपने मांग करी है सर? हाँ, क्योंकि मॉरल अथॉरिटी खो चुके हैं ये और प्रेसिडेंट रूल के अंदर चुनाव होने चाहिए। यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का कैसा प्रदर्शन था। 2014 में बीजेपी ने हरियाणा में 10 सीटों में से 60 सीटें जीती थी तो इनेलो ने 2 और कांग्रेस ने 1 सीट पर जीत हासिल की थी। वहीं 2019 में बीजेपी ने पूरे विपक्ष का ही सूपड़ा साफ कर दिया था। वहीं अब 2024 में भी बीजेपी इसी इरादे से हरियाणा में 10 की 10 सीटों पर कब्जा जमाना चाहती है। 2024 का रन जीतने के लिए पीएम मोदी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। हरियाणा में ओबीसी कार्ड भी इसी कड़ी का हिस्सा नजर आता है क्योंकि हरियाणा जैसे राज्यों में क्लीन स्वीप करके ही 400 का विराट लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।